प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग घर पर सही होंगे। देखिए, आपका जो टॉपिक हमें ले रखा था आपसे पहले, वो सब ट्रांसलेशन चल रहा था। तो ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को सेंटेंस क्या होता है पहले इसके बारे में समझाया था, उसके बाद में कितने प्रकार होते हैं ये समझाया था, फिर टेंस को लेकर के हमने समझाया था कि टेंस क्या होते हैं और टेंस को के आधार पर जो वाक्य हमारे बारे में कल करते हैं वो आप लोगों को बता दिया गया था। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारे यहाँ बन रही है वो ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं कंप्लीट आप लोग करा चुका हूँ, आशा करता हूँ सबके समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता था पहले मैं कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आज हमारा टॉपिक चलेगा ट्रांसलेशन में, वो चलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इनडेफिनिट टेंस, पहले हम इनडेफिनिट को पूरा करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस को परफेक्ट को स्थिति आगे बढ़ेंगे। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस आप लोग जानते नहीं है क्योंकि साथी वाथी आपने पढ़ा होगा इस चीज को, तो एक रिवीजन के तौर पर आपका फिर समझाया जा रहा है ताकि जो चीज आप उससे पहले नहीं जानते थे वो चीज आप लोग यहाँ जान लें। देखिए, सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने से पहले हमें तीन बातों का पता होना जरूरी है। कौन कौन सी तीन है? सबसे पहले तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पहचान, दूसरी चीज है उसकी हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, और इसी प्रकार से उसकी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया जिसे मेन वर्ब बोलते हैं। तो शॉर्ट में पहचान को हम आईडी के रूप में जान लेंगे, सहायक क्रिया को एचडी के रूप में जान लेंगे हेल्पिंग वर्ब, और एमवीबी के रूप में हम मेन वर्ब को जान लेंगे। तो इसकी सबसे पहले पहचान क्या होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कौन से वाक्य आते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में लिया, दिया, किया, ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, वे सभी वाक्य हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के साथ समझेंगे। मैंने या मैं दिल्ली गया था, गया था, यहां देख सकते हैं आप गया में ताता छुपा हुआ है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। अब बच्चों, इसे ट्रांसलेट करने के लिए क्या होता कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है या मुख्य क्रिया है हमें पता होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रयोग की जाती है वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग की जाती थी उसी की सेकंड फॉर्म में प्रयोग की जाएगी, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म डिड। और मुख्य क्रिया जो यहां प्रयोग होगी, बेटा ध्यान रखेंगे, वो प्रयोग होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात तो होगी कि जी वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्रयोग की जा रही है इसमें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जा रही है, तो इसको भी समझना जरूरी है। जहां डिड का प्रयोग करेंगे वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और जहां डिड का प्रयोग नहीं होगा वहां हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे तब आइए चीज आप लोगों को समझा दी जाएगी। तो देखिए, पहले शुरू करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आप लोगों को बताया था कि डू या डज हुआ करता था, इसलिए वहां एकवचन और बहुवचन की बात देखी थी कि एकवचन कर्ता के साथ क्या लगाना, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाना। लेकिन पास्ट में हमारा कोई भी यहाँ जो है एकवचन या बहुवचन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, एकवचन या बहुवचन है सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड का प्रयोग
किया जाएगा। समझे कैसे? पहले सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं दिल्ली गया था, सेंटेंस है मैं दिल्ली गया था। तो बच्चों मैंने कहा भी चलो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, तो बच्चे क्या करते हैं, मैं को आप लिख देंगे आई, सही लिख दिया, फिर मैं गया था को बाद लिख देंगे, अब गया कुछ लिखेंगे गो, कुछ लिखेंगे गोइंग, और फिर डाल देते हैं दिल्ली। और कहते हैं कि हमारा सेंटेंस ठीक हो गया, लेकिन बच्चों ये सेंटेंस ठीक नहीं हुआ, क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की बेटा अलग अपनी कुछ पहचान है, उसके पास पहचान लिया गया कि हाँ ता था, गया था, गई थी, इस तरह के वर्ड आए। फिर जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ वाज का प्रयोग करना मैंने अभी आपको कहीं नहीं बताया गया, देखो यार बताया अगर आपको वाज का प्रयोग करना नहीं बताया, या वो बताया हो या वही बताया हो, नहीं बताया गया, तो इस तरह से कोई भी वर्ड को आप इंग्लिश में लिख दें कहीं और आप कह लेंगे हमारा सेंटेंस सही ट्रांसलेट हो गया, तो फिर आपका सेंटेंस सही ट्रांसलेट नहीं है, वो गलत है, क्योंकि जो इसका नियम है, कायदा है, तरीका है, उसी तरीके से यदि आप इसको ट्रांसलेट करके वर्ड को लिखेंगे तो आपका सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो तरीका क्या है इसका, सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कुछ है तो उसे रख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारा तरीका है कि क्वोटेशन के साथ अगर हम सेंटेंस के बीच में वर्ड को ट्रांसलेट करके लिखे हैं तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, यदि इस तरीके से लिखे हैं तो फिर हमारा सेंटेंस ठीक नहीं होगा। तो समझेंगे यहाँ क्या, सब्जेक्ट है मैं, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आपको फॉर्म दे दी जाएंगी, आपकी किताब में भी वैसे लिखी हुई है, आप वहां से लर्न कर सकते हैं, तो मैं भी आपको लिखवाऊंगा एक दिन फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट। तो मैं अंग्रेजी क्या की आई, उसके बाद वर्ब देखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब है गया, जाना, जाने का हो रहा है तो उसे उसी गो आती है, लेकिन यहां गो की सेकंड फॉर्म लिखी बेटा, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, आई वेंट कहां, दिल्ली, DELH आई, तब हमारा सेंटेंस ठीक होगा, ना कि इस तरीके जिस तरीके से आप ट्रांसलेट कर लेते हैं। जब तक हमें ये चीज नहीं आएगी तब तक हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो जरूरी है इनकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, फिर मुख्य क्रिया क्या यूज करते हैं, और तब हम सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे। अब एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि जी जब हेल्पिंग वर्ब दी गई है डिड, तो आपने एफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग क्यों नहीं किया, आपका सवाल बेटा बिल्कुल ठीक है। हम ये हमेशा रिमेम्बर करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो टेंस ऐसे हैं इंडेफिनिट के, एक प्रेजेंट और एक पास्ट, जहां एफर्मेटिव सेंटेंस या फिर वो के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जो एफर्मेटिव का नियम है उसी के नियम के अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आप याद रखना इस पॉइंट को, क्या पॉइंट है, एक बार फिर रिमाइंड करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का यदि एफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेवर है या फिर हु लगा हुआ है, हु WHO हु, तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करके हम जो उसका एफर्मेटिव सेंटेंस का तरीका है उसी तरीके से उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आगे समझेंगे, एक एग्जांपल लेता हूं, वे दिल्ली चेंज कर देते हैं, वे खाना बनाते थे, छोटा सेंटेंस है, यही सेंटेंस तुम्हारा बड़ा भी हो सकता है, वे रसोई में खाना बनाते थे, वे अपने माता पिता के साथ
पलक लते थे, तो बहुत सारे सेंटेंस हैं बड़े हो जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे वो आपको ईडीसी मान जाएंगे। यहाँ भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, बहुत आसान आसान सेंटेंस लेके आप लोग समझा रहा हूँ। फिर आप जैसे आप लोग सीखना शुरू कर देते हैं, आप लोग जान लेंगे, तभी इनके हम बड़े रूप लेकर के चलेंगे कि ये सेंटेंस इसी वाले बड़े हो जाएंगे, तो आपको किस प्रकार से ट्रांसलेट करना है समझेंगे। वे दे, अब बात आती है क्या, एक दिन एक बच्चे ने ऐसे पूछ रहा था कि सेंटेंस बनाओ, तो दे के बाद उसने खाना बनाने की कुक आती है, उसने कुक लगाया, एक वचन करता तो उसमें कुक से हो गया, ऐसा नहीं। टेंस पहचानिए, ते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कुक। कुकड़ क्या, कुकड़। अब क्या करते हैं बच्चे कि इसमें ये ऐसे ऐसे लगाते नहीं, ऐसे ऐसे के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यहां तो कुकी, कुकी सेकंड फॉर्म यूज होगी, सी डब्ल्यू के ई डी, कुकी सेकंड फॉर्म यूज होगी। दे कुक फूड, एफ डबल ओ डी फूड, और फूड से पहले दाग प्रयोग नहीं करते, दाग प्रयोग हम कुक फूड से पहले नहीं करते, ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, आप जैसे न समझेंगे, मैं आपको तीन या चार सेंटेंस दे रहा हूँ जो आपको बना कर देखने हैं, और आप होमवर्क के रूप में उसे लेंगे और उसको बनाएंगे। यदि कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछेंगे। देखिए पहला सेंटेंस आपको दे रहा है, मैं जंगल में घूमने गया था। सेकंड, वह अपने कपड़े स्वयं धोती थी। थर्ड है, वे नदी में स्नान करते थे। और फोर है, वह घूमने गया था। घूमने चार सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, आपको इन्हें ट्रांसलेट करने हैं, बहुत ही ध्यान से ट्रांसलेट करने हैं। इन सेंटेंस के मुकाबले थोड़े से इसमें एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए हैं, यहाँ देखेंगे आप लोग, वह अपने कपड़े स्वयं धोती थी, तो स्वयं एक वर्ड एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसके लिए लड़की है तो हर सेल्फ आएगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ, ध्यान रखेंगे। ऐसी भी नदी में स्नान करते थे, वह घूमने गया था, इन सेंटेंस आपको न्यूज में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद होमवर्क के रूप में आप देख सकते हैं, मैं चेक करूंगा, और यदि कोई बात समझ आती है आप दोबारा पूछ लेंगे।